नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु और इस वीडियो में हम जो है PRTG इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, नेटवर्क मॉनिटर में ये वीडियो जो है आज के सिनेरियो पे हम इंस्टॉल करेंगे। PRTG जो है भाई, नेटवर्क मॉनिटर इज ए एजेंट लेस नेटवर्किंग मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम Paessler AG। ठीक है, ये एजेंट लेस होता है भाई ये, तो अपन यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं और ये इसकी ऑफिशियल साइट है। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल साइट है यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो डाउनलोड PRTG, अपडेट, लाइसेंस की, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डाउनलोड PRTG ले लेते हैं। सॉरी, मैंने यार डॉक्यूमेंट खोल लिया। एक सेकेंड। अच्छा, ये मैनुअल PRTG डाउनलोड था, ये सॉरी, ये हमें यूज़ करना है यार। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आएगा PRTG नेटवर्क मॉनिटर डाउनलोड, सीधा हम डाउनलोड करेंगे। एक की होगी यहाँ पे, ये देखो आप, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। डाउनलोड PRTG अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और इफ़ योर डाउनलोड इज नॉट स्टार्ट यू कैन डाउनलोड। ठीक है, आ गया भाई। तब तक हम जो है इसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है कॉपी कर लेते हैं। लाइसेंस का जो नेम रहेगा वो PRTG, जो ये लाइसेंस है यार 1 महीने के लिए फुल ट्रायल होता है। उसके बाद जो है आपके 100 सेंसर्स जो होते हैं, 100 सेंसर आपके फ्री रहते हैं। वैसे तो ये अपने आप उठा लेगा, लेकिन आप सेफ्टी के लिए अब इसको कॉपी करके रख सकते हो। और इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है PRTG का, कि आप इसको एक सिंपल मशीन पे भी आप चला सकते हो। ठीक है, ये मैं विंडोज़ 10 की मशीन है, ये मैं विंडोज़ 10 की मशीन जो है यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं विंडोज़ 10 की मशीन जो है यूज कर रहा हूँ और इस पे आप आराम से इजीली इसको चला सकते हो। कोई इसमें चैलेंज नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ये 2 GB रैम ही मैं खाली यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैंने VM बनाई हुई है तो मैं 2 GB रैम ही इसकी यूज़ कर रहा हूँ। कोई ज़्यादा इसमें मैंने कुछ किया नहीं है, इस पर भी चल जाएगा। ठीक है, इसकी कोई मतलब स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सर्वर ही यूज़ करना है या आपको कुछ और यूज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और बड़ा ही मेरे को जो सबसे इसका बेस्ट लगता है कि इसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी रहता है इसका कि कैसे यूज़ करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें आप लोगों ने देखा है, और आपका जो मेरे को सपोर्ट मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके लिए मेरे को ये भी करना है कि एक मशीन हम ऐड भी कराएंगे अभी, तो विंडोज़ 10 तो मैं बाद में ऐड कराऊंगा, क्योंकि वो अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, वो छोटी रहेगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके तुरंत बाद ही मैं दे दूंगा, अगले दिन नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी या साथ ही साथ अपलोड कर दूंगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तब तक मैं आपको एक सिनेरियो समझा देता हूँ। जैसे कि अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको मैं, ठीक है, अब वाइट स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मान ले आपने यहाँ पे अपना, ये एक आपकी ब्रांच हो गई। ठीक है, अब हम इस तरह समझेंगे कि ये आपकी ब्रांच हो गई, ये आपका सर्वर है। ठीक है, आपने ये PRTG इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली PRTG का जो एक, मतलब इन्होंने लिखा है कि एजेंट लेस है, तो ये SNMP पे वर्क करता है। ठीक है, और IPv4 पे। आपने अगर नोटिस किया हो कि मैंने वीडियो में बताया था कि IPv6 जो है वो SNMP को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे IPv4 यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जैसे आपकी फायरवॉल लगी हुई है, ठीक है, आपकी पूरी रैक में स्विचेज लगे हुए हैं, 10 स्विचेज 20 स्विचेज आपके पास लगे हुए हैं, और आपने अगर सेंट्रलाइज स्विच लगा रखा है, ठीक है, लेयर 3 या कोई भी सेंटर डिवाइस आपने लगा रखा है, क्योंकि मोस्टली स्टार टोपोलॉजी हम लोग बनाते हैं नेटवर्क के अंदर। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी बेसिकली रहती है क्योंकि एक स्विच पे एक जो सेंटर स्विच बनाते हैं और उसी से सारे स्विच इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ना कि 1 to 1 करके, इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं ताकि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट हो। ठीक है, जब आपने यहाँ पे सर्वर इंस्टॉल कर लेते हो तो पहली चीज़ ये कि यहाँ पे आपके रीचेबिलिटी होनी चाहिए हर एक डिवाइस से। ठीक है, तो फायरवॉल्स वगैरह में क्या करना है, आपको SNMP एनेबल करना है, उसके रूल्स बनाने हैं। ठीक है, उसके रूल बनाओगे आप, ट्रैफिक अलाउ कराओगे तो ही यहाँ पे एक्सेस हो पाएगा। फिर स्विचेज है, स्विचेज में आपको SNMP एनेबल करना है, और वहाँ पे मैंने वीडियोस बताई हुई है, मेरी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, एक बार चैनल पे विजिट करो, बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी PRTG की। तो PRTG की जो प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी वहाँ पे आप देखोगे कि 2-4 वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है कि कैसे सिस्को में हम अनेबल करते हैं SNMP, विंडोज़ सर्वर में कैसे हम SNMP अनेबल करते हैं, और किस तरीके से स्विचेज या राउटर, फायरवॉल में मैंने बताया हुआ है फायरवॉल में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो फायरवॉल में आपको क्या है, हर एक डिवाइस में आपको जो है फायरवॉल हो या कोई भी हो, ठीक है, सबसे पहले आपको वहाँ पे SNMP अनेबल करना होगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे SNMP अनेबल करना होगा। फिर उसके बाद क्या है, देखो सबसे पहली है रीचेबिलिटी, ठीक है, कि रीचेबिलिटी रहेगी तो तभी हो पाएगा। उसके बाद जो है नंबर 2 पे SNMP में 3 वर्जन होते हैं, ठीक है, 3 वर्जन, तो यहाँ पे वर्जन 2 जो है जनरली यूज होता है हर जगह पे, तो आपका SNMP वर्जन सेम होना चाहिए। फिर नंबर 3 आता है कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी हमें सेट करनी होती है, सेम कम्युनिटी हर एक डिवाइस पे हमें सेट करनी होगी, हर एक डिवाइस पे नहीं, जिस डिवाइस से आप सर्वर से डिवाइस पे जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वहाँ की बात हो रही है, आप चाहे सर्वर के दूसरी डिवाइसेस पे आप दूसरी कम्युनिटी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो कम्युनिटी आपको यहाँ पे रखनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़, 3 चीज़ तो बेसिक है। फिर उसके बाद कुछ सेटिंग्स होती है, डिवाइस पर डिवाइस वेरी करती हैं कि किस तरह से काम होता है, कैसे नहीं होता है, तो वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। दिखेंगे क्या, मैंने दिखा रखा है यार ऑलरेडी पहले वीडियोस में, आप वहाँ पे जाओ देखो, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आपको कोई चैलेंज आता है तो मुझे बताना। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये 70% हो गया है। और देखो अगर आप PRTG डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, PRTG इंस्टॉल करना चाहते हो, तो 100 सेंसर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ठीक है, 100 सेंसर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि आप 2 भी यूज़ कर सकते हो मतलब आपको अगर चलाना है 100 सेंसर 200 आपके पड़ रहे हैं, तो आप 2 सिस्टम में इंस्टॉल कर लो, तो आप दोनों सिस्टम से भी इसको चला सकते हो, अलग अलग मेल आईडी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने 3 भी चलाए हैं तो कोई इशू नहीं है। तो आप, और इसका सबसे अच्छा जो बेस्ट फीचर है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपको हर चीज़ देता है। 100 सेंसर पे ऐसा नहीं है कि कोई फीचर्स डिसेबल रहता है, इस पे सारे फीचर जो हैं अनेबल रहते हैं 100 सेंसर के ऊपर। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है। और यार इसमें अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आप उसको देखना है, लर्न से आप यहाँ पे आप कुछ भी देखना चाहते हो तो आप आराम से देख सकते हो। केस स्टडीज़ हैं यहाँ पे, इनकी वीडियोस पड़ी होती हैं, इन पे आप देख सकते हो। अगर आपको कोई इशू नहीं है, इंग्लिश ये एक्चुअली इंग्लिश में ही होती है सब, इनके जो है केस स्टडीज़ हैं, और यहाँ पे आपके वेबिनार्स भी होते हैं इन लोगों के, तो लर्न में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, फ्री लाइव वेबिनार्स, ये एक्चुअली इनका हर वीक रहता है, हर वीक ये लोग जो है एक कोचिंग देते हैं, अगर आपको देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। और काफ़ी इनका जो मैप है या फिर ग्राफिक सिस्टम है जो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब दिल को सुकून मिलता है। और हमेशा जब भी कभी भी रिक्वायरमेंट हुई है क्लाइंट की तरफ से, या मतलब किसी भी चीज़ के लिए कि भाई PRTG जो है हमें रिपोर्ट चाहिए, हमारा डिवाइस ऑफ हुआ था या नहीं हुआ था, इस चीज़ के रिगार्डिंग हमें अगर वो चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी हमारे पास रहती हैं, मतलब पूरा डिटेल्स इसके पास होती है, पूरे वीक्स के आप रिपोर्ट निकाल सकते हो, रिपोर्ट आप शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, आप अलर्ट सिस्टम अपने हिसाब से ट्रिगर आप बना सकते हो, नोटिफिकेशन ट्रिगर आप इनेबल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो ये मेरा डाउनलोड हो गया, बस स्टार्ट करते हैं डाउन इंस्टॉलिंग। देखो यार, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो यार पूरी देखा करो, क्योंकि पूरी वीडियो देखने कब देखोगे तभी हमें बनाने का जो है सुकून मिलता है, या फिर अच्छा लगता है कि मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, हो गया ये मेरा डाउनलोड, चलो इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। और यार जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, मैं यार रियलिटी के लिए बनाता हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी तुम, बहुत सारी वीडियो होती हैं वो ऐसे इस तरीके से करते हैं कि यस कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ भी 3-5 आपको नहीं करनी है, आपको कुछ भी नहीं करने को बोलेगा, ठीक है। ओके, इसका बड़ा ही सिंपल सेटअप होता है, कुछ ज़्यादा इसमें चैलेंजेस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। या ISAP एग्रीमेंट, ये की अपने आप ले लेगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी पहले नहीं आता था लेकिन अब सेटअप में आता है। मैंने 2 GB रैम की है, इसलिए थोड़ा सा इसका जो इंस्टॉलेशन है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन उसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ईमेल एड्रेस आप चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट रख दो। एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो वहाँ पे मेलिंग वगैरह का करना होता है, यानी कि मेल्स जो रहती है जिस पे बाय डिफ़ॉल्ट मेल्स जाती हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसी आईडी पे कम्युनिकेट हो जाती हैं। बाकी इसमें कोई चैलेंजेस नहीं रहता, आप मल्टीपल मेल आईडीज यूज़ कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में, अभी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, इसके बाद 2-4 वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए, ताकि आप थोड़े से मतलब अच्छे से आप वो चीज़ कर पाएँ। और मैं यहाँ पे लॉगिन भी कर लेता हूँ, करूँगा लैब वाली आईडी पे। अनपैकिंग फाइल्स, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ टास्क मैनेजर में, क्योंकि मैंने यार 2 GB रैम यूज़ की हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है, क्योंकि एक ही प्रोसेसर मैंने इसमें यूज किया हो, तो कंप्लीट जा रहा है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन अपना स्टार्ट हो गया है। तो पॉज यार मैं करना नहीं चाहता मैं आपके सामने, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना कि वो चीज़ दिखाते हैं जो परफेक्टली हो रखा होता है, आपके सामने रियलिटी नहीं शो करते हैं। और मैंने एक चीज़ देखी यार, मैं भी पढ़ता हूँ, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मैं भाई पूरी वीडियो देखता हूँ, क्योंकि जब पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट वीडियो है, तो पूरी देखना आप किस तरीके से क्या होता है, तभी जो है आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, ऑलमोस्ट डन हो गया है। और किस तरीके से इसमें आपको IP मैनेज करना होता है, किस तरह से आपको एक्सेस कराना होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि एक भी चीज़ जो है मैं नहीं चाहता कि मिस हो, ये आज की लेटेस्ट वीडियो है, 2019 ख़त्म होने वाला है, क्या है, कैसे इंस्टॉल हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, ये सब आपके सामने होनी चाहिए, तो तभी मज़ा आएगा। ये देखो आप, ठीक है, ये नेटवर्क मॉनिटर के लिए आ गया इसका सिंबल, और ये गेट PRTG डेस्कटॉप, एक इनकी एप्लीकेशन आ गई है जिसको आप डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करा सकते हो। इंस्टॉल इन द सेंस कि जैसे हम ऐप यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइक एन ऐप हम एक ऐप बन जाएगी यहाँ पे, जैसे आउटलुक या ये एड्स है, तो इस तरीके एक ऐप हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो ऐप होगी, तो उसके बाद जो है ऐप होने के बाद इसमें सारी चीज़ें जो हैं ऐड हो सकती हैं, मतलब वो ऐप की तरह काम करेगा, आपका पूरा सिंक्रोनाइज चलता रहेगा। वैसे आप ब्राउज़र पे भी लॉगिन कर सकते हो, वैसे तो ब्राउज़र पे ही लॉगिन करते हैं। ये हो गया है, जनरेटिंग ए यूनिक TSL इनक्रिप्शन की फॉर योर PRTG सर्वर, इट्स ऑलमोस्ट डन। ये देखो, स्टार्टिंग प्रोब डिवाइस, इसमें प्रोब और एक कोर सर्वर 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रोब होता है, एक कोर होता है, ठीक है। तो प्रोब जो होती है वो काम करती है मॉनिटरिंग का, मतलब कि आपके एजेंट जो अभी आपकी मशीनें हैं उनसे कम्युनिकेशन करती है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग सर्वर सर्विस, तो सर्वर जो होता है वो एक मतलब एक प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो या फिर एक पर जो कंट्रोल यूनिट आप बोल सकते हो कि जो कंट्रोल कर रहा है उन चीज़ों को बैठा है कि हाँ जी ये मेरी चीज़ है, ये सब कुछ चल रहा है, रिपोर्ट जनरेशन या जो भी अलर्ट सिस्टम है, जो भी सारी सेटिंग्स होती हैं वो सर्वर के अंदर होती हैं, ठीक है। प्रोब का काम होता है सारा मैनेज करना। ये अपना इंस्टॉल हो गया है भाई और ये अपने आप ही डिफ़ॉल्ट पेज इसका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये अपने आप ही ओपन कर देगा और आपको ये देखो, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया अपना PRTG स्टार्टिंग, ठीक है। ये देखो आप, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जब तक ये स्टार्ट होता है कि हमें कहाँ से हमें नेटवर्क की सेटिंग्स चेंज करनी है, ठीक है। तो ये भी स्टार्ट होता है, ये लोकल होस्ट पे स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ PC ड्राइव में जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में नहीं आया ये, तो हम 32 बिट में जाएंगे, ठीक है। ये PRTG नेटवर्क मॉनिटर हो गया हमारा। तो यहाँ पे एक फाइल होगी एडमिनिस्ट्रेटर करके, ठीक है। ये रहा PRTG एडमिनिस्ट्रेटर करके, यहाँ पे EXE होगी, इसको आपको रन करना है। तो इसको आप रन करोगे, यस, यहाँ पे आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम है तो टाइम ले रहा है, मेरी एप्लीकेशन खुल गई। देखो अब यहाँ पे क्या हो रखा है, ये सेटिंग्स है, आप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो हर चीज़, एक्सपर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इनसिक्योर, HTTP पोर्ट नंबर, ये नॉट रिकमेंडेड यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट IP एड्रेस है, तो यहाँ पे आपका जो है IP एड्रेस है, लोकल होस्ट आप करना चाहते हो तो वो हो जाएगा। और अगर आप जो है ऑल IPs आप कर रहे हो, कोई भी सिस्टम पे मशीन है तो उसी से हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये IP है हमारा तो मैं अपने सिस्टम में भी बाहर एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पेसिफाई आप करना चाहते हो तो आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो। सिस्टम लैंग्वेज इंग्लिश है, जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है ये देखिए ये स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो रहा है, ये लॉगिन आ गया, ठीक है। ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन है, एक बार हम ये सेटिंग देख लें फिर उसके बाद हम ये चीज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा कोर सर्वर है, एक्सेप्ट कनेक्शन फ्रॉम दिस लोकल प्रोब ओनली, ठीक है। ये अब ये हम एक्सेस करा देते हैं, ठीक है। ये देखो फ्रॉम रिमोट एंड सेलेक्टेड IPs ओनली, तो ये एक्सेप्ट कनेक्शन फ्रॉम ऑल IPs मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्लस्टर में इसमें आपको कुछ नहीं करना है फिलहाल। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आप इसका पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे मेल ID आप जो भी है चेंज कर सकते हो, या आप खुद से पासवर्ड जो है जनरेट करा सकते हो, ठीक है जी। फिर उसके बाद लॉग एंड इन्फो जो है, ये आपका सारा लॉग फोल्डर यहाँ से ओपन हो जाएगा। सेंड लॉग्स टू प्लेजर, ये आप कर सकते हो, जो मांगते हैं क्योंकि उनमें प्रॉब्लम आते हैं तो वो लोग करते हैं। ओपन सपोर्ट टिकट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है जी। फिर यहाँ पे आता है स्टार्ट एंड स्टॉप सर्विस, यहाँ से आप दोनों सर्विस जो है PRTG कोर सर्विस और PRTG प्रोब सर्विस, दोनों सर्विस आप स्टॉप एंड स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है जी। प्रोब मॉनिटरिंग जो है ऑटो यहाँ पे कर दो, आउटगोइंग IP4 मॉनिटरिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑटो है जी, ये भी ऑटो है, ये सब ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो नेम ऑफ प्रोब, लोकल प्रोब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। रिकनेक्ट टाइम 30 सेकेंड, ये आप चेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये वेब सर्वर, ठीक है। तो मैं सेव एंड क्लोज कर रहा हूँ, तो जब आप सेव एंड क्लोज करोगे तो आपको जो है ये सर्विसेज जो है रिस्टार्ट एंड रिस्टार्ट होंगी, क्योंकि जो भी चेंजेज होते हैं तो जैसे ही वो चेंजेज अप्लाई करने के लिए सर्वर को जो है अपनी सर्विसेज जो है रिस्टार्ट करनी पड़ती है, ठीक है। एक बार ये क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि मेन्यू कैसे होता है, किस तरह से चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट टू एंड, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ अगर आप यहाँ तक वीडियो देखने पहुँचे हैं तो थैंक यू सो मच, कर पे बने रहिए। अब आपको जो है दिखाता हूँ कि कैसे क्या होता है, ठीक है। ये अपना हो गया है, ये देखो, प्लीज़ वेट, PRTG एडमिनिस्ट्रेटर टूल इज परफॉर्मिंग नेसेसरी आंसर्स, ठीक है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है, क्लोज। तो हम यहाँ पे ब्राउज़र पे आ जाते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। ये दोबारा जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद ये फटाक से आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में टाइम लगता है सर्विसेज क्रिएट करने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोकल प्रोब पे आ गए हैं, तो ये हमारा जो है मेन्यू रहता है, ये हमारा फर्स्ट व्यू रहता है कि कैसे क्या है। तो अब मैं यहाँ पे आपको होम पे लेके जाऊँगा पहले, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या, देखो यहाँ पे इस पर वार्निंग आ रही है, द PRTG सर्वर इज करंटली अनेबल टू सेंड आई मेल नोटिफिकेशन, ठीक है जी क्रॉस कर दो। फिर यहाँ पे आ गया अनेबल इंक्रिप्शन, ये चीज़ ऐसे स्विच टू SSL, ये SSL सर्टिफिकेट के लिए बोल रहा है कि भाई तुम्हारा जो है ये सेट सिक्योर पासवर्ड चेंज है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड की, आपको बोल रहा है कि भाई अपना पासवर्ड चेंज कर लो, ठीक है। तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इसको आप क्रॉस कर दो, ये कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब मैं जाता हूँ होम पे पहले, ठीक है। तो होम पे मैं लेके जाऊँगा आपको, ये एक्चुअली बेसिकली हमारा होम आता है, ठीक है। ये इस तरह से हमारा होम होता है। अभी 10 सेंसर जो है इसके यूज हो गए हैं, जो कि लोकल सर्वर के लिए यूज हो गए। अलार्म आ रखा है, हम देखेंगे कि किस चीज़ का अलार्म है, ठीक है। अब देखो लाइसेंस स्टेटस 31 ट्रायल डेज लेफ्ट, 9,910 सेंसर अवेलेबल, यानी कि 10,000 सेंसर अवेलेबल होते हैं और यहाँ से आप बाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्रिएटिंग मैप्स, आप वीडियोस देख सकते हो, नोटिफिकेशन की वीडियोस आप देख सकते हो, ब्लॉग्स आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे क्या ओपन आ रहा है। ये ओपन टिकट इसमें यार जो को भी नेटवर्क मैनेजमेंट में कुछ चेंजेज होते हैं तो यहाँ पर जो है टिकट्स क्रिएट होती है, तो वो आप चीज़ें देख सकते हो। ये देखो वो सर्वर भी 10 के 10 सर्वर लाइव हो गए हैं। यहाँ पर 6 यहाँ पर इस तरह से इसके जो अलार्म्स होते हैं वो यहाँ पे ऐसे शो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे 9 लोग एंट्री हैं, 8 यहाँ पे सेंसर्स हैं और 2 यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि वहाँ पे डेटा नहीं आया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि फिर हम जाते हैं डिवाइस पे। ये देखो यहाँ पे हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है, हमको ये सब चीज़ें दिखाता है। जब जैसे ही कोई अपडेट आया होगा तो यहाँ पे आपको अपडेट के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप इसको अपडेट कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डिवाइस पे, जहाँ पे हमारी सारी डिवाइसेज रहती हैं, जो हमारा ग्राफ चलता है। देखो ये आपको सारी चीज़ें आपको बताएगा, स्किप इंट्रोडक्शन आप कर सकते हो और देखना चाहिए। देखो अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये हटेगा नहीं जब तक मैं इसको हाई नहीं बोलूँगा। क्या हो गया भाई, बैक करो, सॉरी, ठीक है। तो डिवाइस पे रहता हूँ मैं, ओके भाई, ये आपको सारी चीज़ें आम कराएगा, ठीक है भाई, बता आप क्या जी मैं चले, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो प्रोब डिवाइस जो है, यहाँ पे प्रोब डिवाइस का इस तरह से रहता है और ये प्रोब डिवाइस है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखो नेटवर्क डिस्कवरी इन्होंने खुद से बनाए हुए हैं, विंडोज़ वर्चुअल सिस्टम, हाइपर-वी, लाइनेक्स, एमएक, मैकओएस, यूनिक्स, प्रिंटर्स। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो मेरा नेटवर्क बहुत छोटा है, मैंने मतलब अपने वीएम में किया हुआ है। तो अगर जब आप अपनी मशीन में इंस्टॉल करोगे अपने नेटवर्क के अंदर तो बहुत सारी डिवाइसेज यहाँ पे आ जाएंगी, बहुत सारे जितने भी आपकी डिवाइसेज होंगी वो सारी यहाँ पे शो कर जाएगा, जो भी पब्लिक SNMP होंगी ये सबको ऐड करा देगा और फर्स्ट टाइम में बहुत सारे डिवाइसेज आपके ऐड हो जाएंगे। और पिंग सेंसर तो हर एक में एनेबल होता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि कोर हेल्थ, कोर मतलब सर्वर की हेल्थ कैसी है, प्रोब की हेल्थ कैसी है, सिस्टम हेल्थ कैसी है, डिस्क स्पेस कितना है, कॉमन सैस ये नहीं है, इंटेल प्रो डेक्स अडाप्टर ये क्या है, कितनी इसकी स्पीड आ रही है, ठीक है। लोकल एरिया कनेक्शन पे कितनी स्पीड आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लाइंट ऐड करा सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में विंडोज जो है मैं ऐड कराऊंगा, बहुत इजी है, आराम से ऐड करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ओके शो मी, सेटिंग्स में जाइए, ठीक है जी, सेटिंग में पहुँच गए। तो ये आपको ऐसे गाइड भी कर देगा कि आपको चीज़ें बता देगा, ठीक है। कि ये बोल रहा है कि यूज़र ओके डन, ये पासवर्ड आपको रिसेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, ये सब चीज़ें जो हैं मैंने बता रखी है। ये बस ये था कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 डेज़ में आप कोई भी सिलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे कि मैं अब कोई भी हम यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट कर लेते हैं, यही मैं डिवाइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसका पूरा डेज है यहाँ पे, इस तरीके से इस पर्टिकुलर डिवाइस पे सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। ये अब हम उस डिवाइस पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हम 2 डेज़, 30 डेज़, ठीक है, 365 डेज़, यहाँ पे हम पूरा ग्राफ देख सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल मेरे को लगता है यार, हमेशा इसने मेरे को जो है पूरा एग्जैक्ट डेटा दिया है, जो भी मैंने कभी भी चाहा है या फिर जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हुई है यहाँ पे मेरे को सब चीज़ें मिली है। तो हमारा अभी स्टार्ट हुआ है तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो लॉग्स आप यहाँ पे देखोगे तो ये लॉग्स क्रिएट होते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, सारी इसमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग रहती है। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो, जो हम सेटिंग करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हमें क्या करना है, किस तरीके से चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं हमारी इसमें। तो अगर आप को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और जो है एक छोटा सा दिखा देता हूँ आपको। लाइब्रेरीज़ में बहुत कम इसका यूज़ होता है, जहाँ पे जब कुछ डिवाइसेस कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तब इनको यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे सेंसर्स होते हैं, यहाँ पे आपका ये डायरेक्टरी आप देख सकते हो कि सेंसर्स क्या क्या मेरे चल रहे हैं, वो सब सेंसर आपको यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अलार्म्स आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन ये अलार्म्स आपको सिर्फ यहाँ पर आ रखे होते हैं पहले ही। तो मैप्स आप बना सकते हो, मैप की भी मैं बनाऊंगा कि मैप कैसे बनाना होता है, ठीक है। तो रिपोर्ट आपकी यहाँ पे जनरेट होती है, यहाँ पे रिपोर्ट्स रहती हैं, आप किस तरह से आप सबको इनको शेड्यूल करा सकते हो, कौन सी रिपोर्ट आपको कब चाहिए, सब चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो लॉक्स हो गए, ये सिस्टम के लॉक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम्स के लोग आपको दिखाएंगे कि पूरा सर्वर के अंदर क्या क्या लोग चल रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से, जैसे यहाँ पे पेरेंट, सिस्टम टाइप, हेल्थ, वार्निंग, एडिटेड, आप ये सब चीज़ें यहाँ पे लोग्स बनती रहती हैं। जैसे कोई डिवाइस डाउन होती है, कुछ भी होता है, तो ये देखो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। ये बोल रहा है कि प्लीज़ इंस्टॉल दिस एरर वाइल सेंडिंग एन ईमेल वेलकम टू PRTG, ठीक है। तो ये क्रिएट होती रहती हैं टिकट्स और यहाँ पे आप सोल्व भी कर सकते हो। फिर सेटअप में जाएंगे, सेटअप में हमें चीज़ें अकाउंट सेटिंग्स वगैरह में करनी होती है। अगर आपको ये सब चीज़ें देखनी हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में मैंने वीडियोस बताई हुई हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। अब मैं माई अकाउंट में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो मैं मेल आईडी, नेम, लॉगिन नेम, डिस्प्ले नेम, ईमेल एड्रेस, ये मैं चेंज कर सकता हूँ। ओल्ड पासवर्ड, ठीक है, न्यू पासवर्ड मैं बना सकता हूँ। और जो भी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, देखो वेब इंटरफेस, यूज़र ग्रुप मैं बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रुप मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। वेब इंटरफेस जो है ये रिफ़्रेश पेज कितनी देर में रिकमेंडेड है, 30 सेकेंड में रिफ़्रेश हो जाएगा, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। वेलकम पेज है, ये होम पेज जो है वेलकम HTML, ठीक है। ये हमारा हो गया। टाइम आप चेंज कर सकते हो जो भी आप चाहते हो, कलर डार्क जैसा आपको चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो टिकट सिस्टम, आई वांट ईमेल एंड वी नेवर टिकट चेंज और आई डोंट वांट वी नेवर, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन टैम्पलेट है कि नोटिफिकेशन किसको जानी चाहिए, किस तरीके से जानी चाहिए, वो सब चीज़ें आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। फिर नोटिफिकेशन कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे आप ऐड करा सकते हो कि मेल कॉन्टैक्ट, SMS कॉन्टैक्ट की किस किस को मेल जानी चाहिए। शेड्यूल में आप शेड्यूल कर सकते हो कि जैसे कोई भी मतलब रिपोर्ट आपको सेंड करनी है या सिस्टम अप डाउन करना है, ये सब चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे मैनेज करा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं सारे काम करने। अगर आप करके देखो, अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे बताइए। और ये होता है आप जब PRTG इंस्टॉल मोबाइल में ऐप आती है, इसकी बहुत अच्छी ऐप होती है, तो आप यहाँ से स्कैन मारो, उसके अंदर वो अपने आप लॉगिन हो जाएगा और पासवर्ड डाल के आपका रन हो जाएगा, ठीक है। वो आपका डिपेंड करता है कि आप जब इसको मैप करा दोगे पब्लिक IP से तो ये बाहर भी चलेगा आपके फ़ोन पे, और अगर आप नहीं कराओगे तो फिर आपको जो है वाईफाई पे लोकल ही आपका ये एक्सेस हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। तो अभी से नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं विंडोज़ 10 भी ऐड करा के दिखा दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।